नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं रवि ठाकुर। बुलेटिन में हम आज बात करेंगे ऐसे राज की जो सदियों पुराना है, वो जगह जहां एक एक रहस्य काफी हैरान करने वाला है। कहते हैं कि वो जगह सृष्टि का केंद्र है, धरती से जुड़े कई रहस्य यह जगह अपने अंदर समेटे हुए है। वहां हर रोज सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचते हैं, तंत्र साधना करते हैं। देवी सती और भगवान शिव से जुड़ा यह राज और उनसे जुड़ी ये कहानी आज भी लोगों को चौंकाती है। आखिर क्या है कामाख्या का राज? देखिए ये खास रिपोर्ट। ब्रह्मांड के केंद्र में मौजूद सबसे बड़ी शक्ति, वो शक्ति जो आदि और अंत की देवी है, जिसके प्रभाव से लाल हो जाता है ब्रह्मपुत्र का पानी, जहां हुई सती और शिव के प्रेम की शुरुआत। हम बात कर रहे हैं असम में गुवाहाटी से 8 किलोमीटर दूर कामाख्या देवी मंदिर की। देवी के 51 शक्तिपीठों में से एक होने की वजह से इसका महत्व काफी बढ़ जाता है। लेकिन इसकी खासियत सिर्फ यही नहीं है, कामाख्या से जुड़े कई ऐसे राज हैं जिनके साक्षात गवाह बनने देश भर में लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। इस मंदिर को तांत्रिक और अघोरियों का गढ़ भी माना जाता है। यहाँ मन्नत पूरी होने के लिए बलि भी दी जाती है। पहाड़ पर बना यह मंदिर 3 हिस्सों में है और इसके एक हिस्से में हर वक्त एक पत्थर से पानी निकलता रहता है। कहा जाता है कि महीने में एक बार इस पत्थर से खून की धारा निकलती है। ऐसा क्यों और कैसे होता है ये आज तक किसी को नहीं पता। इस मंदिर से जुड़े कई ऐसे राज हैं जो कुदरत के नियमों को भी चुनौती देते हैं। आज अगले आधे घंटे तक देखिए कामाख्या का राज। कामाख्या के एक या दो राज नहीं बल्कि इससे कई ऐसी कहानियां जुड़ी हुई हैं जिन पर आसानी से यकीन नहीं किया जा सकता। इसके गर्भगृह से जुड़ा राज, इसके 3 दरवाजों का रहस्य, यहाँ के पत्थर से बहने वाला पानी, सब कुछ हैरान करता है। कामाख्या के कुछ और राज हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। माँ कामाख्या शक्तिपीठ है। माँ कामाख्या को सृष्टि की जननी का द्वार माना जाता है, इसलिए 51 शक्तिपीठ में से श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है और माँ कामाख्या को आदि शक्तिपीठ कहा जाता है। पहाड़ों और कुदरत के खूबसूरत वादियों के बीच कामाख्या मंदिर की सिर्फ यही पहचान नहीं है बल्कि यह मंदिर हजारों लाखों साल पुराने राज के लिए जाना जाता है। माना जाता है कि इसी जगह पर भगवान शिव और सती के बीच प्रेम की शुरुआत हुई थी। इसी वजह से इस जगह को कामाख्या देवी मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर में कामाख्या देवी की कोई मूर्ति नहीं है बल्कि उनके एक पत्थर रूप की आराधना की जाती है। कामाख्या देवी मंदिर का वो हिस्सा है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, जिसे कहा जाता है कि गर्भगृह में जहाँ पर वो मूर्ति रखी हुई है उनके, उसके ठीक पीछे का हिस्सा। इसलिए लोगों में ये मान्यता है कि आप जब यहाँ पर आते हैं, पूजा करते हैं, गर्भगृह में जाते हैं, तो भले कई बार ऐसा होता है कि आप ठीक से पूजा नहीं कर पाते, उतना वक्त नहीं मिलता या फिर आप अपनी बात नहीं रख पाते, तो कहा यह जाता है कि पीछे आप जब आते हैं तो यहाँ पर आकर आप उनसे कान में कुछ बोल रहे हैं। जैसे कि आप नजदीक जाकर कान में कहते हैं, उसी तरह से कहा जाता है कि यहाँ पर जो कि ठीक गर्भगृह का पीछे का हिस्सा है मंदिर का, वहां पर जाकर आप अपनी बातें रखते हैं और एक तरह से जो अपनी दिल की बातें हैं वो अपनी माँ कामाख्या को बताते हैं। इस मंदिर में हर महीने में एक बार 3 दिन के लिए दरवाजे बंद रहते हैं। वहीं हर साल अम्बुवसी के दौरान जून के महीने में 4 दिनों तक असम में कोई शुभ कार्य नहीं होता। मान्यता है कि उस दिन मंदिर से खून जैसा लाल पानी निकलता है।
जिसकी वजह से ब्रह्मपुत्र नदी का पानी तक लाल हो जाता है। अम्बुबासी जो हम लोग अम्बुबासी माना जाता है, ये जोनी स्थान है, जोनी शक्ति, शक्ति का जोनी, जोनी का सब लोग तो मालूम है जोनी क्या है क्या नहीं है। हम लोग को मान्यता मान्यता ये मान्यता अभी से लेके आगे से भी जहाँ जहाँ से भी माँ का पूजा दरबार हुए थे उस समय से हम लोग मान्यता मान रहे हैं कि हर साल में एक बार देवी को अम्बुबासी माना जाता है। उस टाइम माँ का दरजा बंद रहते हैं 3 दिन के लिए पूजा, फिर 4 डेज चतुर्थ दिन पूजा कर खुल लेते हैं हम लोग दर्शन के लिए। लेकिन एक खून जैसा लाल रंग का पानी किसी को दिखाई नहीं देता। माँ का सबका सब भक्त का विश्वास का ऊपर होते है, किसी को भी कोई देखा नहीं देते ये। इस समय तो माँ का दरजा भी बंद रहता है। ये भक्त जन का हम लोग का भी विश्वास है कि वो मान्यता मान रहा है कि इसे। तो क्या उस समय सच में उस दौरान वहाँ पर जो नालियों उसमें ब्लड आता है, खून आता है, लाल रंग के पानी आता है? ये तो कोई 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 भक्त जन देख नहीं पाते है। अच्छा, कोई देख नहीं पाता? कोई देख नहीं पाते, मंदिर टोटली क्लोज रहते है। इस मंदिर से जुड़ी सबसे पौराणिक मान्यता ये है, डगों पर गिरे जिन्हें शक्ति पीठों के नाम से जाना जाता है। देवी मंदिर में इसे सौभाग्य कुंड कहा जाता है। जो सबसे पहले पूजा करने आते हैं वो पहले यहाँ पर आकर जल अपने ऊपर डालते हैं, अपने को शुद्ध करते हैं। कहा जाता है कि जो आपके अंदर पाप या गंदगी है वो यहाँ पर शुद्ध होता है, और इसके बाद फिर गणेश जी के पास आप जाते हैं। वहां पर गणेश जी से एक कहा जाता है कि आज्ञा मांगी जाती है, आज्ञा मांगी जाती है कि माँ कामाख्या का दर्शन करने के लिए। और यहाँ पर गणेश जी की को पूजा की जाती है, और जो आप कह सकते हैं कि मंत्र होता है वो पढ़ते हैं। इस मंदिर में दाखिल होने से पहले गणेश जी से आशीर्वाद लेना होता है, और फिर मंत्रोच्चारण के बाद मंदिर में प्रवेश मिलता है। सर्व विघ्न विनाशाय, सर्व कल्याण हेतु पार्वती ते पुत्राय गणेशाय नमो नमो नमो। सर्व विघ्न विनाशाय, सर्व कल्याण हेतु पार्वती ते पुत्राय गणेशाय नमो नमो। जी हाँ, इस तरह से एक प्रक्रिया पूरी होती है। आप जो भक्त होते हैं, जो श्रद्धालु होते हैं, वो सबसे पहले सौभाग्य कुंड में पानी से अपने को शुद्ध करने के बाद गणेश जी से अनुमति ली जाती है, और इसके बाद फिर वो जाते हैं माँ कामाख्या का दर्शन करने के लिए। मान्यता है कि देवी कामाख्या हर मनोकामना पूरी करती है, लेकिन यहाँ भक्त बलि भी चढ़ाने पहुँचते हैं। माँ कामाख्या शक्ति की देवी है, ये शक्ति पीठ है, और इसीलिए शक्ति की इस देवी को खुश करने के लिए बलि भी कराई जाती है। यहीं पर आप देख सकते हैं, यही वो जगह है जहां पर बलि होती है। सुबह सुबह जब पूजा की शुरुआत होती है तो सबसे पहले बलि होती है, और इसके बाद फिर लोगों के लिए पट खोला जाता है। कामाख्या का जो मेन पूजा पद्धति है ना, वो हम लोग का तंत्र का जो शक्त परंपरा है ना, उसी परंपरा से होता है। यहाँ पे मतलब आपका जैसे मंदिर पहले सुबह पूजा होता है, उसमें हम लोग का परंपरा का हिसाब से एक बलि दिया जाता है। उसका बाद बलि देने के बाद अंदर में पूजा होता है गर्भगृह में, उसका बाद पूजा होने का बाद आपका मंदिर खोला जाता है नॉर्मल। इसके अलावा मान्यता ये भी है कि अगर कोई भी भक्त बलि नहीं देना चाहता तो वो यहाँ कुछ भी दान दे सकता है। तंत्र मंत्र की साधना भी यहाँ होती है? साधना हर तरह का होता है, सिर्फ तंत्र का नहीं है। कोई जैसे वैष्णव आचार से भी पूजा करना चाहे, जो बलि विधान नहीं करता है, बलि विधान नहीं करता है तो बलि नहीं देता है माई को, वो उत्सर्ग कर देता है। मतलब बकरा या जो भी है वो सोना चाहता है, जैसे कबूतर है। अच्छा। बकरा है, भैंसा है, सब सोर देता है। अगर सोर देता है, बलि नहीं देना तो वो जानवर सोर देता है। हाँ, ये मंदिर दुनिया भर के तांत्रिकों के लिए सबसे पूज्य जगह है। यहाँ बड़े बड़े तांत्रिक और अघोरी तंत्र साधना करते हुए मिल जाएंगे, और कामाख्या के मंदिर भी साधना के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। मेनली आपको साधना का स्थल है यहाँ पे। मतलब कोई भी आदमी जैसे साधना करने आता है, शक्त परंपरा है, वैष्णव है, जो भी परंपरा से आदमी आकर के यहाँ पे साधना करता है उसको साधना का सिद्धि प्राप्ति होता है। ऐसा नहीं इस धर्म से हमको पूजा करने से ये होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे विशेष रूप में यहाँ का मान्यता है कामाख्या का साधना है। 51 शक्ति पीठ में से एक है कामाख्या देवी शक्ति पीठ। हालांकि कामाख्या देवी शक्ति पीठ को सृष्टि की जननी का द्वार माना जाता है, और इसीलिए सभी शक्तिपीठ में से सर्वोच्च स्थान प्राप्त है कामाख्या देवी शक्तिपीठ को।
असम के कामाख्या मंदिर से जुड़ी कई ऐसी चीजें हैं जो बहुत कम लोगों को पता है। इसके गर्भगृह और यहाँ दरवाजों से जुड़ी मान्यता भी हैरान करने वाली है। और मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जमीन से लगभग 20 फीट नीचे एक गुफा में मौजूद है, उससे जुड़ा राज क्या है आइए देखते हैं। माँ कामाख्या की मंदिर में तीन प्रमुख दरवाजे हैं, जैसे गेट नंबर 1, गेट नंबर 2। गेट नंबर 1 को सुख समृद्धि का द्वार माना जाता है, तो गेट नंबर 2 जो है उसे मोक्ष का द्वार माना जाता है। और तीसरा दरवाजा जो यहाँ पर है वो अन्नपूर्णा दरवाजा है, जहाँ से माँ के लिए भोजन जाता है। हालांकि अब ये दरवाजे बंद हैं क्योंकि आम आदमी की संख्या लगातार बढ़ी है, श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है। ऐसे में जो आम लोग जाते हैं, जो श्रद्धालु भक्त जाते हैं, उनके लिए एक अलग रास्ता बना दिया गया है और ये तमाम जो प्रमुख रास्ते हैं उन्हें बंद रखा जाता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की भी कोई कमी नहीं है, कामाख्या देवी के लिए उनके मन में अटूट श्रद्धा है। दो घंटा से कहाँ से आई आप? यह गुवाहाटी। आप लोग तो हमेशा आती होंगी यहाँ पर? साल भर आता है। मन्नत मांगी थी, मैं एमपी ग्वालियर से आया हूँ और हमारी मन्नत पूरी हो गई, इसलिए मैं दर्शन के लिए आया। माता टेक के जाऊंगा, कितना भी टाइम लगे कोई दिक्कत नहीं। नहीं, हम तो महीना में एक बार आ जाते हैं माँ को दरबार। नवरात्रि में तो खास के 9 दिन आते हैं हम। 9 दिन पूरे आते हैं? हाँ जरूर, माँ जब बुलाती है तो जरूर आ जाते हैं। माँ कामाख्या के दरबार में जब श्रद्धालु आते हैं तो उनके मन में कुछ मनोकामनाएं भी होती है, कुछ उम्मीदें होती हैं। और इसीलिए ये मान्यता है कि यहाँ पर ये जो तमाम घंटी आप देख रहे हैं, इन घंटी को बांधा जाता है, जो उनकी मनोकामनाएं हैं, जो माँ कामाख्या से उन्होंने मांगा है वो पूरी हो जाए, इसके लिए बकायदा इस तरह एक घंटी बांधी जाती है, बड़े बड़े घंटी लगाई जाती है, ताकि उनकी जो मांग है या जो माँ से उन्होंने मांगा है वो पूरा हो जाए। तंत्र साधना का केंद्र होने के कारण अपने अंदर अनगिनत रहस्यों को समेटे हुए है ये शक्तिपीठ। यहाँ ना तो मुख्य मंदिर का रंग रोगन किया जाता है और ना ही यहाँ रोशनी की कोई व्यवस्था है। यहाँ वहाँ बैठे साधक चुपचाप तंत्र साधना करते रहते हैं। यहाँ देवी पूजा के साथ बलि की भी परंपरा है, लेकिन रहस्यों की दुनिया से दूर हजारों भक्त यहाँ सिर्फ माता के दर्शन के लिए भी आते हैं और जगत जननी माँ कामरूप कामाख्या अपने सभी भक्तों की पुकार सुनती है। अमित कुमार, गुवाहाटी, न्यूज 24।